2000 कम है। दशम टू के बाद साल 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय मिश्रा की फिल्म वध के बारे में। दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने 4 दिन पूरे कर चुकी है और दोस्तों आज इस फिल्म का 5वां दिन और दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 5 ही दिनों में सभी का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों अगर आप भी बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा के बहुत बड़े फैन है और इनकी फिल्म वध को देख चुके हैं और जानना चाहते हैं इस फिल्म के शुरुआती 5 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वध एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसके लीड रोल में आपको संजय मिश्रा के साथ मीना गुप्ता भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 4 ही दिनों में लगभग 10 करोड़ 50 लाख की कमाई दुनिया भर से कर ली थी और दोस्तों आज इस फिल्म का 5वां दिन और दोस्तों ऑडियंस से मिल रहे धमाकेदार रिव्यूज के बाद यह फिल्म अपने 5वें दिन में लगभग 1.5 करोड़ की कमाई दुनिया भर से कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 5 दिनों का कलेक्शन लगभग 12 करोड़ का हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 10 करोड़ बताया जा रहा था और दोस्तों यह फिल्म अपना बजट निकालते हुए एक हिट फिल्म बन चुकी है और दोस्तों यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में लगभग 15 से 20 करोड़ की कमाई करते हुए एक सुपर हिट फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों आपको फिल्म बात कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए और अगर इस फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिला तो यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान।